अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के मामले में पाकिस्तान को शक भरी निगाहों से देखा जा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत ने पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम लेते हुए कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन तालिबान की जीत पर पाकिस्तान के भीतर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस में भी कई नेता और टिप्पणीकार इसे भारत की हार के रूप में देख रहे हैं। तालिबान को समर्थन देने की पाकिस्तान की रणनीति लंबे समय से अफगानिस्तान के लिए चिंता का विषय रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती से आशंकित रहा है। अब तालिबान की जीत से उसे लग रहा है कि भारत का डर कम हो गया है। भारत और तालिबान की दुश्मनी पुरानी है और भारत शायद ही तालिबान को मान्यता देगा। अगर तालिबान पाकिस्तान के भीतर इस्लामिक चरमपंथियों को समर्थन देता है तो पाकिस्तान व्यापार मार्ग बंद कर सकता है। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान का इतिहास इतना आसान नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त से ही अफगानिस्तान पाकिस्तान शत्रुता की कहानी 74 साल पुरानी है। अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती सीमा और सिंधु नदी तक के कुछ इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमावाद की जड़ 19वीं सदी से है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के उत्तरी हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए 1893 में अफगानिस्तान के साथ 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची थी। यह समझौता ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच काबुल में हुआ था। इसी लाइन को डूरंड लाइन कहा जाता है। यह पश्तून इलाके से होकर गुजरती है। डूरंड लाइन समझौते के अनुसार अफगानिस्तान को कुछ जिले छोड़ने थे। इनमें स्वात, चित्राल और चागे शामिल थे। इसके बदले उसे दूसरे इलाके नूरिस्तान और असमार मिलने थे, जिस पर ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का नियंत्रण नहीं था। इस समझौते की वजह से पहली बार अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा खींची गई। डूरंड लाइन समझौते के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीमा नहीं थी। अफगानिस्तान की स्थापना पश्तूनों ने 18वीं सदी के मध्य में एक देश के तौर पर की थी। डूरंड लाइन को इन्होंने कभी अपनी सीमा नहीं माना। 1947 में जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ तो अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को तत्काल मान्यता नहीं दी थी। अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को हटाने को कहा था और पश्तून इलाकों की मांग की थी। जाहिर है कि पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान तब से अब तक डूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार करता रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में पश्तून अलगाववाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लगता है कि भारत और अफगान मिलकर इसे अंजाम दे रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पश्तून विद्रोह को शांत करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आर्थिक दबाव या अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह का साथ देता रहा है। कहा जाता है कि यही रणनीति पाकिस्तान को अफगान तालिबान का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। 1980 के दशक में भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। कहा जाता है कि अफगान मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने सोवियत समर्थित अफगान कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद तालिबान और अफगान राष्ट्रवाद वाली सरकार ने डूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना। अभी तक तालिबान ने भी आश्वस्त नहीं किया है कि वो डूरंड लाइन को मान्यता देता है और यह पाकिस्तान की कसक है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को एक और डर सताता है। पाकिस्तान में अफगान पश्तून बड़ी तादाद में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। 1980 के दशक में अफगान वॉर के वक्त पाकिस्तान में करीब 30 लाख पश्तून शरणार्थी भागकर आए थे। ये शरणार्थी कैंप पाकिस्तान में मुजाहिदीनों की भर्ती के लिए सबसे उर्वर ठिकाने बन गए थे। बाद में तालिबान को भी इन शरणार्थियों से मदद मिली है। पाकिस्तान में पश्तून विद्रोह इन शरणार्थी कैंपों से भी भड़का है। 2007 में इसी का नतीजा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या TTP का गठन हुआ। पाकिस्तान में TTP के आने के बाद गृह युद्ध की स्थिति बनी है और करीब 60,000 पाकिस्तानियों की जान गई है। इनमें 8,000 पाकिस्तानी सैनिक और एक पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी शामिल है। पाकिस्तान इसलिए भी तालिबान का समर्थन करता है क्योंकि अफगान तालिबान ने आश्वस्त किया है कि वो पश्तून इस्लामिक विद्रोह का समर्थन नहीं करेगा। पाकिस्तान ने चीन को भी आश्वस्त किया है कि वो अपनी जमीन से शिनजियांग में विगर मुस्लिम विद्रोहियों को कोई भी गतिविधि चलाने की अनुमति नहीं देगा। इसके साथ ही रूस को आश्वस्त किया है कि चेचन और अन्य इस्लामिक विद्रोहियों का साथ नहीं देगा। लेकिन अब तक भारत के साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि वो कश्मीर में इस्लामिक चरमपंथ का साथ नहीं देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।